from phenotype to genotype or from genotype to phenotype. It involves gene isolation cloning transfer to competent host and expression using genetic engineering and rDNA technology using genetics and rDNA technology. ठीक है बच्चों, तो अगर मान लीजिए फिनोटाइप की सहायता से हम जीनोटाइप को पता कर सके, सो दिस इज कम्स अंडर फॉरवर्ड जेनेटिक्स एंड व्हाट इज रिवर्स जेनेटिक्स, जीनोटाइप टू फिनोटाइप. अगर हम जीनोटाइप की सहायता से जहां पे कि कैरेक्टर्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, ठीक, तो ये भी बातें हमें आपको याद रखना पड़ेगा. और इसमें इन्वॉल्व होगा जीन आइसोलेशन, फिर जीन की क्लोनिंग करेंगे, फिर जीन ट्रांसफर करेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट में, फिर उस जीन का एक्सप्रेशन, मतलब तब उस जीन से कौन सा करेक्टर आएगा ये स्टडी किया जाएगा. और इसके लिए कौन सी टूल्स एंड टेक्निक यूज करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग और आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं. तो अगर फिनोटाइप से जीनोटाइप को इन्वेस्टिगेट करें तो फॉरवर्ड, अदरवाइज रिवर्स. एक और इंपॉर्टेंट चीज, दो तरह की जेनेटिक्स हम लोग देखते हैं, तीन तरह की अब वैसे देखेंगे. पहला है प्री मेंडेलियन और प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स को हम लोग और किस नाम से बुलाते हैं, वी कॉल्ड इट एज इट इज बेस्ड ऑन, जैसे दो प्राइमरी कलर को कलर्स को मिला के अगला कलर बनता है, सेम वही चीज है, तो इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहा जाता बेटा. सो इट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. और फिर मेंडेलियन और फिर पोस्ट मेंडेलियन. और ये टोटल, अब पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स ही एक्चुअली ये मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स आ जाता है. फिर क्या आ जाता है बच्चों, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. तो प्री मेंडेलियन, मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. आगे आते हैं हम लोग, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, मॉडल ऑर्गेनिज्म. मॉडल ऑर्गेनिज्म मतलब जिस पर जेनेटिक्स की स्टडी सबसे ज्यादा की जाती है. तो अगर बैक्टीरिया की बात कर लें कि मेन, सबसे मेन बैक्टीरिया, फिर सबसे मेन फंजाई कौन सा यूज होता है, फिर सबसे कॉमन प्लांट कौन सा यूज होता है, और फिर सबसे कॉमन एनिमल कौन सा यूज किया जाता है जेनेटिक्स में. ठीक है, जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए तो देखिए सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया बेटा यूज होता है वो है ई कोलाई, इसीरिशिया कोलाई. आपको मालूम है फंजाई में, आपको मालूम है न्यूरोस्पोरा क्रेसा, न्यूरोस्पोरा क्रासा आल्सो कॉल्ड एज पिंक मोल्ड. और सारा का सारा फंजाई में इसी पे स्टडी किया गया है. अच्छा प्लांट्स में सबसे ज्यादा किस पे, मटर पे.
गार्डन पी पाइसम सटाइवम, इसको बेटा क्या बोलते हैं, गार्डन पी। इसके अलावा दो मटर और हम लोग पढ़ते हैं, एक तो वाइल्ड पी दैट इज लथायरस अफाका और दूसरा स्वीट पी लथारस ओडोरेटस, ठीक। और पाइसम सटाइवम ये इसको हम क्या बोलते हैं, गार्डन पी। फिर एनिमल में अगर हम लोग देखें तो ड्रासोफिला, ड्रासोफिला मिलेनोगैस्टर, ड्रासोफिला मिलेनो गैस्टर, कॉमनली कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई, या इसको बेटा विनेगर फ्लाई भी कहते हैं। विनेगर फ्लाई मतलब सिरका, विनेगर आपको मालूम है। तो बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाए कि मॉडल ऑर्गेनिज्म मतलब जो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं जेनेटिक्स की स्टडी में, और सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया कौन सा है, ई कोलाई, फंजाई में न्यूरोस्पोरा क्रेसा पिंक मोल्ड कहते हैं, प्लांट में पाइसम सटाइवम और एनिमल में ड्रासोफिला मेलेनोगैस्टर, और भी रिप्रेजेंटेटिव यूज होते हैं बट दीज आर दी मेन। अब यहाँ पे एक बहुत प्यारा सवाल बनेगा और वो सवाल हमें आपको करना पड़ेगा, कर लेना चाहिए। सवाल यह है कि क्वेश्चन मेंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन विच प्लांट, पहला पाइसम सटाइवम, दूसरा हेरार्शियम कॉमनली कॉल्ड एज हॉकवीड, तीसरा बोथ, चौथा नन। तो बेटे अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किस पौधे पे किए और आपको चार ऑप्शन दिया गया है, तो आपका जो जवाब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कमान, इट्स बोथ, बोथ इज द राइट आंसर। पाइसम सटाइवम के अलावा मेंडल ने हेरार्शियम में भी एक्सपेरिमेंट किए थे लेकिन ही वॉज अनेबल टू गेट डिजायर्ड डाटाबेस, लेकिन जो रिजल्ट इनको मटर में मिला वो इसमें नहीं मिला। किस वजह से नहीं मिला, ड्यू टू लिंकेज। और बच्चों मेंडल के जिंदा रहते, जब तक वो जिंदा थे, धरती पे लिंकेज की खोज नहीं हुई थी इसी वजह से। और एक सवाल पूछा जाता कि मटर की कुल कितनी वेराइटीज पे उन्होंने काम किया था, 22 वेराइटीज पे वर्क किया था, ठीक, कुल 34 वेराइटीज लिया था लेकिन बाद में फाइनली स्क्रीनिंग करने के बाद ही परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन 22 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ गार्डन पी दैट इज पाइसम सटाइवम। एक और सवाल अगर हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे करके तब आगे बढ़ना चाहें, तो अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कंप्लीटेड जीनोम सीक्वेंसिंग, आपको अगर बतलाना हो कि वो पहला ऑर्गेनिज्म अलग अलग ग्रुप के जिनके कंप्लीट जीनोम की सीक्वेंसिंग या स्टडी की गई, तो अगर आपसे पूछा जाए
कि सबसे पहला ऐसा बैक्टीरिया कौन सा है, ठीक उसी तरह आपसे पूछा जाए कि एनिमल कौन सा है पहला, फिर उसी तरीके से आपसे पूछा जाए प्लांट, और फिर आपसे पूछा जाए कि फंजाई। तो बच्चों वो पहला बैक्टीरिया जिसका कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस तैयार किया गया दैट वाज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। कौन था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और पहला एनिमल इट वाज सिनो रैबडिटिस। एलिगेंस कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म, ये एक तरह का राउंड वर्म। और पहला पौधा जिसके कंप्लीट जीनोम की सिक्वेंसिंग की गई दैट वाज अरबिडोप्सिस थैलियाना। और पहला फंजाई नन अदर देन ईस्ट। सैकरोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है बच्चों, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रदर, आप सबको याद करना चाहिए कि अगर पहला बैक्टीरिया पूछा जाए जिसके कंप्लीट जीनोम को सीक्वेंस सबसे पहली बार किया गया, सो दैट वाज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और पहला अगर एनिमल पूछा जाए तो सिनोराबडिटिस एलिगेंस राउंड वर्म है। राउंड वर्म आपने सुना होगा जैसे मेलिडोगाइनी इनकोग्निशिया, और तो ये मेलिडोगाइनी ये बैंगन में रूट नॉट डिजीज कास करता है, ठीक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पहला पौधा जिसका कंप्लीट जीनोम हुआ वो है अरबिडोप्सिस थैलियाना, फिर फंजाई में सैकरोमाइसिस सेरेविसी, फिर अगर पहला प्राइमेट अगर आपसे बात किया जाए बच्चों, सो एमंग्स प्राइमेट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार हम लोगों में 30,000 जीन्स पाए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो किसमें कितने जीन्स होते हैं ये भी पूछा जाता है। जैसे मैं दो तीन आपको लिख के बता दूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा। जैसे ह्यूमन में 30,000 जीन्स होता है, और पैडी मतलब धान जिसको हम लोग चावल कहते हैं, ठीक, तो चावल में बेटा इससे डेढ़ गुना 45,000 जीन्स होते हैं, ठीक। फिर ई कोलाई में बैक्टीरिया में लगभग 4,500 जीन्स होता है। ईस्ट में अगर आप देखोगे तो लगभग 6,000 जीन्स होता है। और गार्डन पी में अगर हम लोग बात कर लें तो गार्डन पी में लगभग 18,500 जीन्स होता है। और अगर हम लोग ड्रासोफिला की बात कर लें तो नियरली 13,000 जीन्स पाया जाता है, ठीक है। और सबसे कम जीन्स पाया जाता है वायरस में, अगर हम टोबैको मोज़ेक वायरस की बात कर लें, टोबैको मोज़ेक वायरस की, तो सिर्फ 250 जीन्स पाए जाते हैं, ठीक। तो ह्यूमन में कितना है बच्चों? 30,000 जीन्स। पैडी में 45,000 जीन्स। ई कोलाई में लगभग 4,500। ईस्ट में लगभग 6,000। गार्डन पी में लगभग 18,500। और ड्रासोफिला मेलानोगास्टर की अलग अलग इस ब्रीड्स में आपको 13,000 के आसपास जीन्स मिलते हैं, ठीक। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें आपको याद रखनी है, याद। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि देखिए ग्रेगर
जॉन मेंडल को बोला जाता फादर ऑफ जेनेटिक्स, आपने पढ़ लिया, और बेटसन को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये दोनों चीज तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब आगे देखिए, थॉमस हंट मॉर्गन, टी एच मॉर्गन, इनको बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। और इन्होंने ही बतलाया था क्या कि जो जीन्स ऑन क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, और इन्होंने वर्क किस पे किया, किस पे किया, ड्रासोफिला पे। किस पे वर्क किया बच्चों? ड्रासोफिला। एंड ही डिड लॉट्स ऑफ वर्क ऑन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखें अगला जो कंट्रीब्यूशन किसका याद कर लें, तो वो हैं सर आर्किबाल्ड गैरॉड, और इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद करा दूं, वो ये याद कराना है कि इन्होंने स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था, इन बॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, और ह्यूमन में ऐसी 118 बीमारियां पाई जाती हैं। और पहला बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इन बॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बीइंग विच वॉज डिस्कवर्ड बाई सर आर्किबाल्ड गैरॉड इज एलकैप्टोन्यूरिया, एलकैप्टोन्यूरिया। इसको बच्चों ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लैक यूरिन डिजीज। तो एलकैप्टोन्यूरिया, फिनाइल क्यूटोन्यूरिया, ये सब इनबॉर्न एरर है मेटाबोलाइज्म के, विच अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक, और ऐसा इन्होंने किताब भी लिखा है इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, उस किताब का नाम ही है, इन्हें फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स और फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहा जाता है। आगे देखा जाए, पॉल बर्ज को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और एस्टबरी को बोलते हैं फादर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फ्रांसिस गाल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स कहा जाता है, और एच जे मुलर को कहा जाता है फादर ऑफ एक्टिनो बायोलॉजी। ठीक, और इन्होंने डेवलप किया था सी एल बी मेथड टू डिटेक्ट म्यूटेशन, और व्हाट इज एक्टिनोबायोलॉजी, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, म्यूटेशन पे वर्क है। और सी का मतलब होता है यहाँ पे डोमिनेंट जीन है,
और ये किस चीज़ के लिए होता है? क्रॉसिंग ओवर सप्रेशर जीन, क्रॉसिंग ओवर को सप्रेस। और ये रिसेसिव एल क्या है? ये लीथल जीन होता है। और ये डोमिनेंट बी जो होता है ये बार आई के लिए होता है। ठीक, तो बच्चों दिस इज ऑल फॉर द डे। अभी इंट्रोडक्शन, एक लेक्चर और चलेगा, फिर हम लोग आगे मेंडलिज्म पे आएंगे। ठीक, कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज मैसेज। थैंक यू।